नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इटालियन प्ले जिसका नाम है सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, जिसे लिखा है लुइगी पिरांडेलो ने। एंड इसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो 1921 में दी गई थी। ओके, तो ये जो प्ले है ये एक मेटा थिएट्रिकल प्ले है जिसमें ऑथर्स, थिएटर प्रैक्टिशनर्स एंड उनके कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशन को दिखाया गया है। ओके, तो इस प्ले को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा राइटर लुइगी पिरांडेलो के बारे में बता देती हूँ। ओके, तो लुइगी जो है वो एक फेमस इटालियन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था 28 जून 1867 में इटली में एंड इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1936 में रोम इटली में। तो इनके जो फेमस वर्क हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हेनरी फोर, सेकंड वर्क है इनका 1 No. 1 & 100,000, थर्ड वर्क है सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर जो हमारा आज का टॉपिक है, एंड जो फोर्थ वर्क है वो है द अदर सन। एंड ये जो लुइगी है इनको 1934 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में। ओके, तो यही था हमारे राइटर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा प्ले सिक्स कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस प्ले में भी एक प्ले ही हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यानी कि एक ऐसा प्ले है जिसके अंदर भी प्ले ही हो रहा है, ठीक है। तो इस प्ले को डिस्कस करने से पहले, यानी कि इस प्ले की समरी डिस्कस करने से पहले, मैं आपको इसके मेन मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ ताकि फिर आपको समरी के दौरान कोई भी कैरेक्टर्स को लेकर कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर है द फादर, सेकंड कैरेक्टर है द मदर, थर्ड है द सन, फोर्थ है द स्टेप डॉटर, फिफ्थ है द बॉय, सिक्स्थ है द चाइल्ड एंड सेवन्थ है द क्लर्क एंड एट्थ है द मैनेजर। तो मैं बारी बारी से इन सभी कैरेक्टर्स को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। एंड एक चीज़ और कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका नाम रिवील नहीं हुआ है, तो इनके बारे में जब भी बात होगी तो द फादर, द मदर, द सन इस तरह से ही होगी, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड होगा कि हर जगह द फादर बोलना, बिकॉज अगर नेम होता है तो वो ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू इन चीज़ों से, बट चलो जो भी है जैसा प्ले में है वही हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द फादर। ओके, तो ये जो हमारा टाइटल है सिक्स कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर, तो इसमें जो सिक्स कैरेक्टर की बात की गई है उनमें से जो पहला कैरेक्टर है वो है द फादर, यानी कि इन छह कैरेक्टर्स में से ही एक होता है जो हमारे मतलब टाइटल में भी मेंशन किया हुआ है। तो इसने एक किसान फैमिली से बिलोंग करने वाली लेडी से शादी की होती है, एंड ये लेडी जो है वो हमारा सेकेंड कैरेक्टर है द मदर, जिसको द मदर कहा गया है। तो ये जो है इस लेडी से इसने शादी की होती है, एंड इसका जो है उसके साथ एक बेटा होता है। एंड एक दिन इसको पता चलता है कि इसकी वाइफ का अफेयर क्लर्क के साथ चला है एंड वो उसको प्यार करती है, तो इसीलिए वो अपनी वाइफ को घर से निकाल देता है। एंड दूसरा, इसको अब अपनी वाइफ के साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं रही होती है, मतलब ये उससे बोर भी हो चुका होता है, तो इसको जाने देता है। एंड उस टाइम मतलब जब ये अपनी वाइफ को घर से निकालता है, उस दौरान इसका जो बेटा है वो जस्ट अभी 2 साल का होता है, तो ये अपने बेटे की टेक केयर करने के लिए उसको जो है नर्सेज के पास छोड़ के आता है ताकि वो उसको केयर वगैरह करें उसकी, उसको ग्रो अप करें। एंड दूसरी, इसकी जो वाइफ होती है जिसको प्ले में द मदर कहा गया है, तो ये जो द मदर होती है इसका क्लर्क के साथ जो है इसके 3 बच्चे होते हैं। तो जो पहला बच्चा होता है वो है द स्टेप डॉटर, सेकंड होता है द बॉय एंड थर्ड होता है द चाइल्ड, ये एक लड़की होती है। एंड ये जो द फादर है ये अपनी वाइफ के नई फैमिली को मिस करता है, एंड एक दिन ये अपनी स्टेप डॉटर के साथ ऑलमोस्ट सेक्सुअली इंटीमेट हो जाता है, जब तक कि इसकी जो वाइफ है वो अपनी बेटी को बचा पाती, यानी कि इसकी जो एक्स वाइफ है वो अपनी बेटी को बचा पाती तब तक ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। प्ले में द फादर जो है वो थिएटर आया होता है, एंड ये 5 कैरेक्टर्स के साथ आया होता है ताकि ये ऑथर को ढूंढ सके एंड इनका प्ले कंप्लीट कर सके, मतलब कि जो 6 कैरेक्टर होते हैं इनकी अपनी एक स्टोरी होती है जिसको ये परफॉर्म करवाना चाहते थे, उसका प्ले बनवाना चाहते थे। तो अब हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है वो है द मदर। ओके, तो द मदर जो है वो द फादर की वाइफ होती है, एंड ये ओवर इमोशनल औरत होती है। तो अब हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है द सन। ओके, तो ये जो सन होता है ये द मदर एंड द फादर का इकलौता बेटा होता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि द मदर जो होती है उसका किसी और मर्द के साथ अफेयर होता है, तो उसका जो पति होता है उसको घर से निकाल देता है, तो ये जो द सन है ये जस्ट अभी 2 साल का होता है, तो इसकी मदर इसको छोड़ के चली जाती है। तो इसका जो फादर है वो इसकी टेक केयर करने के लिए इसको जो है नर्सेज के पास भेज देता है जहाँ पर ये ग्रो अप वगैरह होता है। एंड जब द सन बड़ा होता है तो इसको पता लगता है कि इसकी जो मदर थी उसने इसको छोड़ दिया था, तो इसको मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड ये जो द सन है ये अपनी माँ की इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था। एंड सॉरी अगर आपको पीछे से कोई नॉइस वगैरह इस तरह का आ रहा है, एक्चुअली बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है द स्टेप डॉटर। ओके, तो ये जो द स्टेप डॉटर है ये द मदर एंड द क्लर्क की बेटी होती है। एंड जब स्टेप डॉटर के फादर द क्लर्क की डेथ हो जाती है, तो इसकी जो मदर है वो एक क्लोथिंग शॉप पे जाकर काम करती थी। तो जो क्लोथिंग शॉप की जो ओनर होती है वो द मदर की जो बेटियां होती हैं दो, द स्टेप डॉटर एंड द चाइल्ड, इन दोनों को प्रोस्टिट्यूशन में लगा देती हैं।
एंड इसी शॉप पर द फादर जो है वो स्टेप डॉटर से मिला होता है एंड यहीं पर इसने इसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स भी किया था। तो इसके बाद जो हमारा अगला करेक्टर है वो है द बॉय। ये द मदर एंड द क्लर्क का बेटा होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहने वाला बच्चा होता है एंड प्ले के एंड में ये खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। एंड ये ऐसा क्यों करता है ये आपको समझ में ही पता चलेगा। तो इसके बाद जो हमारा अगला करेक्टर है वो है द चाइल्ड। द चाइल्ड जो है वो द मदर एंड द क्लर्क की बेटी होती है एंड ये एक ड्रेस शॉप को संभालती थी जहाँ पर इसकी मदर काम किया करती थी। वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी मदर जहाँ पर काम किया करती थी वहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ भी काम करती थी, द स्टेप डॉटर एंड द चाइल्ड। तो जो शॉप ओनर होती है वो इन दोनों का फ़ायदा लेती है एंड एज अ प्रोस्टिट्यूट इन दोनों से काम करवाती है। तो इसके बाद जो हमारा अगला करेक्टर है वो है द क्लर्क। ओके, द क्लर्क वो इंसान होता है जिसके साथ द मदर का अफेयर होता है एंड ये जो है मतलब द मदर का सेकंड हस्बैंड होता है एंड द क्लर्क एंड द मदर के तीन बच्चे होते हैं, स्टेप डॉटर, द बॉय एंड द चाइल्ड। तो ये जो द क्लर्क होता है इसकी बहुत जल्द डेथ भी हो जाती है, लगभग 20 साल बाद, मैरिज के 20 साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो जो द मदर है उसको अपने बच्चों को पालने के लिए खुद एक क्लोथिंग शॉप पर जाकर काम करना पड़ता है। ओके, तो इसके बाद हमारा अगला करेक्टर है द मैनेजर। ओके, तो ये जो प्ले है इसके अंदर भी एक प्ले हो रहा होता है एक थिएटर में, तो उस थिएटर का ये डायरेक्टर होता है एंड ये थिएटर कंपनी कैरेक्टर्स के रिहर्सल्स वगैरह करवाता है। एंड जब द फादर अपनी स्टोरी मैनेजर को बताता है तो जो मैनेजर है वो उनकी स्टोरी को परफॉर्म करवाने के लिए मान जाता है। तो यही थे कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस प्ले की समरी। ओके, तो इस प्ले की जो स्टोरी है वो 6 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड वो 6 कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं द फादर, द मदर, द सन, द स्टेप डॉटर, द बॉय, द चाइल्ड। तो ये होते हैं वो 6 कैरेक्टर्स जिनके अराउंड ये पूरी की पूरा जो प्ले है उसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो ये जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं ये एक थिएटर में जाते हैं जहाँ पर प्ले की रिहर्सल चली होती है एंड इन 6 कैरेक्टर्स के कारण जो रिहर्सल है वो इंटरप्ट हो जाती है। तो ये 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर से मिलते हैं एंड उसे अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए इंसिस्ट करते हैं एंड क्लेम करते हैं कि उनके ऑथर ने जो उनकी स्टोरी है वो फिनिश नहीं की है जिसके लिए उन्हें क्रिएट किया गया है एंड उन्हें जिस लिए क्रिएट किया गया है उन्हें उसको कंप्लीट करना ही है। तो ये जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं ये ब्लैक ड्रेसेस में आए होते हैं एंड सब ने मास्क लगाए होते हैं। तो द फादर जो है वो डायरेक्टर से कहता है कि स्टोरी जो है वो उन सब के अंदर रेडी है एंड वो अपनी स्टोरी को फिनिश करवाना चाहते हैं एंड उनको इसके लिए एक ऑथर चाहिए। ये सब डायरेक्टर को इंसिस्ट करते हैं कि उनकी जो स्टोरी है उस पर एक प्ले बनाया जाए। तो जो डायरेक्टर होता है उसको लगता है कि ये सब पागल हैं एंड वो इनसे बहुत ज़्यादा इरीटेट होता है एंड ये इनकी स्टोरी का प्ले करने के लिए इनकार कर देता है। लेकिन फिर द फादर एंड द स्टेप डॉटर जो हैं वो डायरेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनकी स्टोरी को एक एटलीस्ट सुन लें एंड अगर उनको अच्छी लगेगी तो उसको वो परफॉर्म करवाएं। तो इनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर जो मतलब डायरेक्टर है वो मान जाता है कि चलो जान लेते हैं कि इनकी स्टोरी है क्या। तो फिर द फादर अपनी स्टोरी डायरेक्टर को सुनाने लगता है। वो बताता है द फादर एंड द मदर हस्बैंड वाइफ हैं एंड इन दोनों का एक बेटा है द सन, बट द फादर एंड द मदर सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज द मदर जो है उसको द क्लर्क से प्यार हो जाता है एंड इसीलिए वो द क्लर्क के साथ चली जाती है एंड इस तरह से द फादर एंड द मदर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एंड द क्लर्क के साथ द मदर के जो है तीन बच्चे होते हैं, द स्टेप डॉटर, द बॉय एंड द चाइल्ड। ये तीन बच्चे होते हैं एंड दूसरी और जो द फादर एंड द मदर का जो बेटा है द सन वो जस्ट उस दौरान 2 साल का होता है तो उसकी टेक केयर करने के लिए जो फादर है वो उसे नर्सिस के पास छोड़ आता है ताकि वो उसकी केयर करें एंड द फादर ने अभी इतनी ही स्टोरी बताई होती है कि बीच में द मदर जो है वो इंटरप्ट करती है एंड ये जो द मदर है ये द फादर को एक्यूज़ करती है कि उसी ने उसको क्लर्क के साथ भेज दिया था बिकॉज वो उससे बोर हो चुका था। तो इसके बाद द फादर जो है वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है सुनाना एंड द फादर जो है वो बताता है कि वो अपनी स्टेप डॉटर के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है एंड क्लेम करता है कि उसे पता नहीं था कि वो इसकी स्टेप डॉटर है एंड कहता है कि स्टेप डॉटर जो है उसको पता था कि द फादर जो है वो उसकी मदर का एक्स हस्बैंड है। तो यहाँ पर द मदर जो है वो फिर से इंटरप्ट करती है एंड कहती है कि अब उसका जो सेकंड हस्बैंड है द क्लर्क वो मर चुका है। सेकंड पति के मरने के बाद उसे जो है वो मैडम पेस की दुकान पर यानी कि उसकी एक शॉप है क्लोथिंग शॉप उसको वहाँ पर काम करना पड़ता था एंड वहाँ पर उसकी दोनों जो बेटियाँ हैं वो भी साथ में काम किया करती थी। लेकिन ये जो मैडम पेस है ये उसकी डॉटर को एज अ प्रोस्टिट्यूट जो है उनको यूज़ कर थी एंड द मदर कहती है कि उसी शॉप पर द फादर ने अपनी द स्टेप डॉटर को जो है सीड्यूस किया था
एंड वो ये भी कहती है कि द फादर को पता था कि वो उसकी बेटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था। लेकिन यहाँ पर द फादर जो है वो मुखर जाता है कि उसको ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी देर बहस होती है। तो ये सब सुनने के बाद जो डायरेक्टर है वो इस स्टोरी को परफॉर्म करवाने के लिए मान जाता है, यानी कि वो स्टोरी को कम्प्लीट करने के लिए मान जाता है। एंड फिर मैनेजर जो है वो 20 मिनट्स की ब्रेक करता है। एंड 20 मिनट्स की ब्रेक के बाद सभी करेक्टर्स एंड जो कंपनी है, कंपनी के जो जितने भी लोग हैं, वो सभी के सभी स्टेज पर आ जाते हैं। एंड वहाँ पर जो है एक सीन क्रिएट किया जाता है ताकि उस स्टोरी को जो है परफॉर्म किया जा सके। तो अब जो स्टेज है वहाँ पर फादर एंड द स्टेप डॉटर के बीच का जो सीन है उसको परफॉर्म करवाया जाता है। एंड ये जो डायरेक्टर होता है वो इस सीन को अपने ही एक्ट्रेस के द्वारा करवाता है। लेकिन ये जो 6 कैरेक्टर होते हैं ये चाहते थे कि इनकी स्टोरी को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक वे में परफॉर्म किया जाए। एंड जो डायरेक्टर है वो अपने एक्ट्रेस को बोलता है कि वो 6 कैरेक्टर्स के डायलॉग्स एंड उनकी एक्टिंग को ऑब्जर्व करें एंड देखें कि वो कैसे क्या कर रहे हैं ताकि वो उनकी एक्टिंग को इमिटेट करके अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ऐसा सुनकर जो 6 कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड ये 6 कैरेक्टर गुस्से में कहते हैं कि वो अपनी स्टोरी खुद ही परफॉर्म करेंगे एंड वो किसी और के द्वारा अपनी स्टोरी परफॉर्म नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझाने की कोशिश करता है कि उसके जो एक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड उनकी स्टोरी जो है वो अच्छी ही निकल के आएगी। लेकिन ये जो 6 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर फिर से आर्गुमेंट करने लग जाते हैं डायरेक्टर के साथ एंड फिर से इनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। एंड दूसरी ओर द मदर जो है वो इस आर्गुमेंट से सेपरेट हो जाती है एंड वो अपने पहले बच्चे दसन से बात करने की कोशिश करती है जो उसका एंड द फादर का फर्स्ट बेटा होता है। लेकिन इसका जो सन है दसन वो इससे बात करना नहीं चाहता था बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था कि कैसे उसकी माँ उसे बचपन में अकेला छोड़कर किसी और मर्द के साथ जा सकती है। तो ये अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता है। एंड दूसरी ओर डायरेक्टर एंड इन करेक्टर्स के बीच का जो झगड़ा है वो जैसे तैसे खत्म होता है एंड जो डायरेक्टर है वो फिर भी अपने ही एक्ट्रेस को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए भेजता है। बट ये जो 6 कैरेक्टर होते हैं वो उनकी एक्टिंग को देखकर बहुत ज़्यादा उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं एंड कहते हैं कि उनको एक्टिंग करने नहीं आ रही है, उनके डायलॉग प्रॉपर नहीं है एंड ना ही उनके जेस्चर्स प्रॉपर हैं एंड मतलब उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं कि उनको तो स्टोरी परफॉर्म करने ही नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो एक्टर्स हैं वो फर्स्ट सीन को जैसे तैसे कंप्लीट करते हैं एंड इसके बाद मैडम पेस एंड द स्टेप डॉटर के बीच का सीन परफॉर्म करवाया जाता है जिसमें मैडम पेस जो है वो स्टेप डॉटर को कहती है कि उसे अपनी मदर का बर्डन कम करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट बन जाना चाहिए। तो ये सीन देखकर द मदर जो है वो फिर से हाइपर हो जाती है। एक्चुअली जो मैडम पेस है उसकी भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैडम पेस जो है उसने द मदर की दोनों डॉटर्स को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया था। तो यहाँ पर इस सीन को देखकर द मदर को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है एंड वो पता नहीं क्यों ऐसे ही हाइपर हो जाती है। ओके, तो फिर मैडम पेस एंड स्टेप डॉटर का सीन परफॉर्म करवाने के बाद जो डायरेक्टर है वो फिर से फादर एंड स्टेप डॉटर का सीन परफॉर्म करवाता है। लेकिन 6 कैरेक्टर जो हैं वो फिर से डायरेक्टर के एक्टर्स की परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं एंड स्टेप डॉटर जो है वो तो ये तक कह देती है कि डायरेक्टर के जो एक्टर्स हैं वो तो यूजलेस हैं, उनकी टोन एंड उनके जेस्चर्स ही ठीक नहीं है एंड उनको मज़ा नहीं आ रहा है, उनकी जो स्टोरी है वो रियलिस्टिक नहीं लग रही है। तो इतना सब सुनने के बाद डायरेक्टर जो है वो भी भड़क जाता है एंड वो गिव अप कर देता है एंड वो 6 कैरेक्टर्स को नेक्स्ट सीन जो है वो परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर देता है एंड कहता है कि ठीक है आप लोगों की स्टोरी है और आप लोग ही परफॉर्म करो ताकि ये लोग जो हैं वो अपनी स्टोरी खुद ही परफॉर्म करें बिकॉज ये बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, बार बार मजाक उड़ा रहे थे एक्टर्स का, तो इसीलिए इसने यहाँ पर गिव अप कर दिया। तो डायरेक्टर जो है वो अगला सीन जो है क्रिएट करता है। ओके, तो अब द फादर एंड द स्टेप डॉटर का सीन द फादर एंड द स्टेप डॉटर द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है एंड ये दोनों इस सीन को इतना रियलिस्टिक वे में परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जो मदर होती है द मदर वो फिर से भड़क जाती है। एक्चुअली इन दोनों ने अपने सेक्सुअल सीन को बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकली परफॉर्म किया होता है एंड द मदर जो है वो चिल्लाकर कहती है यू ब्रूट शी इज़ माई डॉटर एंड ये इस एक्ट को इतना सीरियसली ले लेती है कि वो फिर से वहाँ पर अपने जो उसका फर्स्ट हस्बैंड है द फादर उसके साथ ही आर्गूमेंट करने लग जाती है। तो इस एक्ट को देख कर जो प्रोड्यूसर है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब खज्जली हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर इन दोनों की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाता है एंड इसके बाद इन 6 कैरेक्टर्स की स्टोरी का जो फाइनल एक्ट है वो द फादर के ही गार्डन में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में इतना झगड़ रहे होते हैं कि प्रोड्यूसर को कुछ भी समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है।
एंड ये छह के छह करेक्टर्स आपस में झगड़ रहे होते हैं। एंड फिर इस झगड़े में द सन जो है वो रिवील करता है कि वो अपने फादर एंड मदर को हेट करता है बिकॉज उन्होंने उसे अपने से दूर रखा जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। एंड कहता है कि उसके फादर ने द स्टेप डॉटर एंड अदर चिल्ड्रन को फैमिली मेंबर कंसीडर नहीं किया। एक्चुअली द सन जो है वो फैमिली को एकजुट देखना चाहता था जो कि हो नहीं पाया था। फिर सडनली द चाइल्ड जो है वो फाउंटेन में गिर जाती है एंड ऐसा देखकर द मदर जो है वो द चाइल्ड को बचाने के लिए दौड़ती है। एंड दूसरी ओर द बॉय जो है वो रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेता है एंड जो द मदर है वो फिर से द बॉय की ओर दौड़ती है। तो इस तरह से द स्टेप डॉटर जो है वो वहाँ से मतलब थिएटर छोड़ के ही भाग जाती है एंड स्टेज पर सिर्फ तीन ही लोग बचते हैं, द फादर, द मदर एंड द सन। तो ये सब देखकर डायरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। एंड जो डायरेक्टर है वो समझ नहीं आता है कि क्या वो सब सच में हो रहा है या वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर की इसी कंफ्यूजन के साथ ही जो प्ले है ये खत्म होता है एंड हमारी जो समरी है वो भी खत्म होती है। तो जैसा कि आपने भी नोटिस किया होगा कि इस प्ले में क्लियरली नहीं बताया है कि जो छह करेक्टर्स हैं वो एक्चुअल में किसी फिक्शनल स्टोरी को परफॉर्म कर रहे थे या वो उनकी रियल लाइफ स्टोरी थी। तो यहाँ पर लास्ट में इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, ट्रेजिक एंड हुआ है, तो इससे तो ऐसा लगता है कि जो छह करेक्टर्स थे वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी को ही परफॉर्म करवा रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लगा। बाकी आप लोग अपना रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।